हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, UPPCS और RO/RO पेपर को लेके बहुत ही असमंजस फैला था पूरे अभ्यर्थियों में, ठीक है। तो PCS प्री की डेट आपको जो आई हुई है वो है 7 और 8 दिसंबर को आपका PCS प्री का पेपर होगा, और RO/RO का जो पेपर होगा वो 22 और 23 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया होगा, बट इसके बीच भी जो फैसले आयोग ने दिए हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभ्यर्थियों का कितना भला होगा और कितने अभ्यर्थियों को घाटा हो सकता है, कहाँ पे उनको छूट मिलेगी और कहाँ पे छूट नहीं मिलने वाली है। दूसरा, अब ये 6 दशमलव तक जो परसेंटाइल स्कोर होगा उसका क्या प्रारूप है और क्या आयोग ने तैयार कर रखा है जिससे नॉर्मलाइजेशन में आपको घाटा ना हो, या नॉर्मलाइजेशन में घाटा होगा या फ़ायदा होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलता हूँ और उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है आपको सब दिखाऊंगा। डेट आपको कन्फर्म ही है, ठीक है, कि आयोग को जो है पर्याप्त केंद्र नहीं मिले हैं, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का साफ साफ आदेश था कि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही सेंटर बनाना है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज को नहीं लेना है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पर्याप्त होते हैं तब आपको एडेड कॉलेज की तरफ जाना है, बट वो भी अपर्याप्त हो रहे थे, तो पर्याप्त नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने 2 दिन का पेपर डिसाइड किया है। तो अभी फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 दिन का होगा, दोनों एग्ज़ाम्स में, चाहे वो PCS प्री का हो चाहे RO/RO का हो, दो दो दिन का होगा। तो बाकी अभी ले चलते हैं आपको न्यूज पे। तो आपने ये आपके समीक्षा अधिकारी की के एग्ज़ाम का जो है डेट है कि कितनी पालियों में कराई जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि 5 यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हों, इनका यही प्रावधान है। इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए, कि आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या 10,76,004 होने के दृष्टतम प्रश्नगत परीक्षा दिनांक 22 दिसंबर 2024 को, प्रथम पाली पूर्वाह्न 9 से 12 बजे और द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 से 5:30 बजे तक, तथा 23 दिसंबर 2024 को तृतीय पाली पूर्वाह्न 9 से 12 बजे तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 2 दिन होगा, 22 और 23 दिसंबर, और जो पालियां हैं वो 3 पालियों में आपका होगा, 2 पालियां 22 दिसंबर को और तीसरी पाली जो है वो 23 दिसंबर को। तो आपका RO/RO का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं हम। सबसे पहले बात करें कि 2 दिन पेपर के हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 दिन की परीक्षा के लिए 55% ही केंद्र ही मिल सके हैं इनको। तो जैसा मैंने अभी बताया कि केंद्र ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज को ही बनाना है, तो सेंटर ही इनको 55% ही मिल पाए हैं, ठीक है, तो उसमें हो ही नहीं पाएगा। और कलेक्ट्रेट से 20 किलोमीटर की परित तक परीक्षा केंद्र बनाने के लिए आयोग ने की कवायद कि कलेक्ट्रेट से बस उसकी दूरी 20 किलोमीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि PCS परीक्षा में 5,75,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, और RO/RO में भी 10 लाख से ज़्यादा, अभी आपको मैंने बताया कि 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी उसमें भी हैं, ठीक है। तो अगर RO/RO के हिसाब से देखें तो 10,76,004 तक आपके आ जाते हैं, और इसमें जो है 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए सेंटर 55% फीसदी में वो सही नहीं है। तो इनको पूरी परीक्षा संपन्न कराने के लिए लगभग कुछ नहीं तो 1,758 केंद्रों की ज़रूरत थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट इनको 55% ही मिल पाए हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका एग्ज़ाम 2 दिन का हो गया है। अब बात करेंगे जो अभ्यर्थी धरना दे रहे थे कि उसमें नॉर्मलाइजेशन में इशू हो जाएगा, तो उसके लिए भी इन्होंने एक तरकीब निकाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया मूल्यांकन प्रणाली में अहम बदलाव, 6 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया जाएगा परसेंटाइल स्कोर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS और RO/RO प्रारंभिक परीक्षा को एकाधिक दिवसों व पालियों में आयोजित करने के निर्णय के साथ प्रारंभिक परीक्षाओं में मूल्यांकन प्रणाली में अहम बदलाव भी कर दिया है। विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव का आयोग ने परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह मूल्यांकन प्रणाली 2 या अधिक दिवसों व पालियों में होने वाली परीक्षाओं में लागू होगी। तैयार फार्मूले से प्राप्त परसेंटाइल स्कोर को 6 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया जाएगा ताकि गणना में अधिक सटीकता सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपकी अब 6 दशमलव तक परसेंटाइल स्कोर जो है वो निकाला जाएगा, जिससे सटीक एवं जो पारदर्शिता अधिकतर उसमें निकल के आ जाए रिजल्ट में सामने। तो अभी अब इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है आपका PCS प्री 7 और 8 दिसंबर को है, RO/RO 22 दिसंबर 23 दिसंबर को है, ठीक है। तो इन्होंने एक जो प्रणाली है वो भी चेंज कर दी है उसके लिए कि अब 6 दशमलव का आपका परसेंटाइल आएगा, तो उससे आपको और ईजिली मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और पूरा जो है अपनी तैयारी पर फोकस कर रखिए। कोशिश यही रहेगी कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि प्रणाली जो इन्होंने लाई है 6 अंक तक वो
अभी आपके लिए भी सही रहेगी। तो बट देखते हैं एग्जाम के बाद कि क्या हो सकता है। तो जो भी और जानकारी मिलेगी आप तक पहुँचाई जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।